नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ भगवान गणपति के सबसे प्रिय प्रसाद मोदक की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो चलिए देख लेते हैं किस रेसिपी को मैंने किस तरीके से तैयार किया है। पैन में हम घी डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच। अब बेसन डाल देंगे, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से बेसन जो है, जब इसमें सुगंध आना स्टार्ट हो जाए तब आप समझ लीजिएगा कि बेसन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम हल्का सा हल्दी का पाउडर डाल देंगे या फिर फूड कलर कुछ भी आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि काफ़ी अच्छा खिला खिला ये नज़र आएगा। तो बिल्कुल हल्का सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ। जब इसमें हम दूध वगैरह डालेंगे ना तो फिर इसका जो कलर है काफ़ी बढ़िया आ जाएगा। और अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बेसन हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें से एक बहुत ही बढ़िया सी सुगंध आनी स्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे हम प्रसाद के लिए चूँकि इसको बना रहे हैं इसलिए हम इसमें पानी नहीं दूध डाल रहे हैं। आप अगर चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं अगर आप प्रसाद के लिए नहीं बनाते हैं तो। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो दूध है थोड़ा सा मैंने कम ही डाला है। मिक्स करके पहले मैं देख लेती हूँ कि मुझे और ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और दूध डालने की हमें कोई ज़रूरत है। अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। अब इसी में हम चीनी डाल देंगे और चीनी और दूध दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे। तो पहले मैं चीनी डाल देती हूँ। तो अब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल रहे हैं और 1 चम्मच घी हम और डालेंगे। और अब घी और चीनी डालने के बाद हम हलवे को अच्छे से यहाँ पे जो है वो भून लेंगे। उससे क्या होगा कि बढ़िया से टेस्ट आ जाता है घी डालने के बाद। बाद में हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि चीनी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम मिक्स तैयार कर रहे हैं तो उसको आप हलवा भी बोल सकते हैं। बेसन का जो हलवा है इसी तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन हम इसको हलवे की तरह बना करके और फिर मोदक का शेप देंगे, क्योंकि गणपति भगवान को मोदक बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इसलिए पहले हम इस तरह से मिक्स तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको मोदक का शेप देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई करना है। गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसको हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसका जो मोदक है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मिक्स हमारा ठंडा हो चुका है, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम इस मिक्स में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मोदक बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोदक का जो मोल्ड होता है उसको ले लिया है। इसको हम घी से ग्रीस करेंगे। इस तरह से आपको घी से इसको ग्रीस कर लेना है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है इसमें भी हम डालेंगे ताकि मोदक जो हमारा है वो देखने में खूबसूरत लगेगा। इस तरह से जहाँ जहाँ चाहें वहाँ वहाँ आप इसको डाल सकते हैं। इस तरीके से जब मोदक यहाँ पे आप निकालिएगा तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है वो दिखेंगे। और अब यहाँ पे जो हमने मिक्स तैयार किया है मिक्स को डाल देते हैं मोदक के मोल्ड में। इसको इस तरीके से दबा देना है, ज़ोर से प्रेस कीजिए ताकि ये जो है शेप बढ़िया से लेगा हमारा जो मोदक है। तो इस तरीके से ज़ोर से प्रेस करना है। तो अब इसको हम खोल लेते हैं और ये देखिए हमारा जो क्यूट सा मोदक है वो बन करके तैयार हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स ऊपर आ चुके हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे मोदक को आपको रेडी कर लेना है। तो मैं सारे मोदक को रेडी कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए भगवान गणेश का सबसे प्रिय प्रसाद मोदक हमारा पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के।